परिषद स्कूल को नए गांव खैरी नवोदय विद्यालय की ओर से 7 कंप्यूटर भेंट किए। नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने किया संगणक कक्ष का उद्घाटन। आमगांव जिला परिषद स्कूल में सोमवार को संगणक कक्षा का उद्घाटन नवोदय विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर जरीना वहाब कुरैशी के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर गट शिक्षण अधिकारी कैलाश लोखंडे, केंद्र प्रमुख चेतना बॉबडे, संगणक शिक्षक नाइक सर, आमगांव जिला परिषद स्कूल के मुख्य अध्यापक चंद्रशेखर दलाल, पत्रकार रूपेश खंडारे, बाबुरवाड़ा जिला परिषद स्कूल के मुख्य अध्यापक उमाकांत भागड़कर इस मौके पर उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर जरीना वहाब ने कहा कि आने वाले दिनों में शिक्षा प्रयोगी साहित्य परिसर के जिला परिषद स्कूल में देकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को आधुनिक तत्व ज्ञान के बारे में प्रगत करने और संपन्न करने के लिए हमारी ओर से प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षण अधिकारी कैलाश लोखंडे ने कहा कि इस तरह सभी ने सहायता करने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। उद्घाटन समारोह में स्कूल की जानकारी मुख्य अध्यापक चंद्रशेखर दलाल ने दी। आभार प्रदर्शन बाबुरवाड़ा जिला परिषद स्कूल के मुख्य अध्यापक उमाकांत बांगड़कर ने किया। समिति अंतर्गत आमगांव जिला परिषद शाळे मध्ये नवोदय विद्यालय खैरी येथील प्राचार्य कुरैशी मॅडम इथे आलेले आहेत। यांनी या गावाच्या जिल्हा परिषद शाळेसाठी विद्यार्थ्यांसाठी 6 संगणक या मुलांच्या शिक्षणासाठी दिलेले आहेत। आपण त्यांना विचारूया की हा प्रकार आपण जो मदत केली आहे या मुलांच्या शिक्षणासाठी कसं काय उपयोग ठरणार आहे त्याबद्दल आपण सांगावं। हिंदी PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय नवे गाव खेरी के लिए माननीय कलेक्टर महोदय साहब ने नए कंप्यूटर उपलब्ध कराए हुए हैं। इसलिए जो पुराने कंप्यूटर थे वह विद्यालय ने जिला परिषद के प्राथमिक विद्यालय आम गांव के बच्चों को कंप्यूटर सीखने के लिए प्रदान किए गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की पॉलिसी के अंतर्गत पेस सेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें नवोदय विद्यालय को गांव के आसपास के जो स्कूल्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको हेल्प करना है। हमसे जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके उन्हें करना है। इसी पॉलिसी के तहत माननीय जिलाधीश महोदय की परमिशन लेकर जो कंप्यूटर हमारे पास थे उनमें से 6 कंप्यूटर हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय आम गांव के बच्चों के लिए दिए हैं। आगे चल के आप ऐसे जो स्कूल है, जो गांव में स्कूल होती है वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, इसी तरह से आप ये उपक्रम चलाने वाले हैं प्रोग्राम कैसे? जी, और भी हमारे पास कंप्यूटर है गांव के और जो स्कूल्स हैं वहां पर, यदि उन्हें आवश्यकता है तो हम उन बच्चों को प्रदान कर सकते कुछ हैं। साथ ही इसके लाइब्रेरी के लिए बुक्स हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास स्टेशनरी इन बच्चों के लिए है। पेस सेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम स्टेशनरी बच्चों के लिए प्रदान करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट करते हैं जिनमें इन स्कूल के बच्चों के लिए सिखाते भी हैं। इन बच्चों को हम अपने स्कूल में कंप्यूटर सिखाने के एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट कर सकते हैं। साथ में ये बच्चे हमारे स्कूल में जाकर आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक भी सीख सकते हैं, और जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ हम इन बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। हो सकता है जरीना मैडम यानी खेड़गावातील जिल्हा परिषदेला अधिक से अधिक कंप्यूटर्स आणि इतर साहित्य देण्याचं यांनी वचन दिलेलं आहे आणि हे कार्य करणार आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात संगणकाशी जुळतील आणि अभ्यास करतील, त्यांना प्रगती होईल, अशा प्रकारचे उद्देश ठेवून नवोदय विद्यालय काम करत आहे। त्याबद्दल शाळेच्या वतीनं इथे त्यांचं आभार प्रदर्शन करण्यात आलं आणि आजचं उद्घाटन सुद्धा झालेलं आहे। NBCN न्यूज के लिए संवाददाता रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।